हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फैंटेसी क्रिक बॉल। बिग बैश लीग 2022 का मैच नंबर 22 जो कि खेला जाने वाला है 31 दिसंबर को 10 बजे सुबह में। बैक टू बैक दो मैच होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपसे पहले मुकाबले की बात करने वाली हूँ। ये मुकाबला होबर्ट हरिकेन और सिडनी थंडर्स के बीच में होने वाला ताबड़तोड़ मैच देखने को तैयार हो जाओ गाइज। साल के अंत का सबसे मतलब मैं बोलूँ ना लास्ट डे मैच है, तो अगर हम 31 के सारे मैच को क्लीन स्वीप करते हैं तो फिर नए साल की शुरुआत एकदम पार्टी के साथ होने वाली है। 1 जनवरी से तो हमारा नया सेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन गाइज ये ना मुझे क्या लग रहा है कि 31 वाले जो दो मैच है ना दोनों को क्लीन स्वीप निकाल लेते हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। लास्ट के डेट में हम अपना सारा लॉस भी कवर कर लेंगे। वैसे तो लास्ट वाले मैचेस भी अच्छे गए हैं, लगातार 2-3 मैच से फिर से हम बैक कर चुके हैं, तो वो वाली लॉस को भी भूल चुके हैं क्योंकि सारा लॉस कवर हो चुका है। यहाँ पर चीज़ें मैनेज करके जाएंगे। ईयर का एंड है तो सारा लॉस प्रॉफिट लॉस सब मिक्स एंड मैच कर देंगे गाइस। ये इस मैच में ना मैं आपको मतलब सारी डिटेल्स इस मैच की देने वाली हूँ। कैसी होगी पिच, क्योंकि एक नए पिच पर ये मैच होने वाला है। इसके साथ साथ अगर मैं दोनों टीमों की बात करूँ ना, तो दोनों टीमें अगर सिडनी थंडर्स ने इस सीज़न में 6 मुकाबले ऑलरेडी खेल चुकी है जिसमें से 3 जीती है और 3 हारी है, लेकिन लास्ट मैच जीत के आ रही है। वहीं बात करें अगर होबर्ट हरिकेन की, तो 4 मुकाबले खेले इस सीज़न में, 4 में से 2 जीती है और 2 हारी है, तो बराबर का टक्कर है। यहाँ पर आप किसी को ज़्यादा नहीं आँक सकते और किसी को कम नहीं आँक सकते, कोई भी जीत सकता है। लेकिन इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि आपको पूरी पिच रिपोर्ट मिलने वाली है, एग्जैक्ट प्लेइंग 11 मिलने वाली है, बाकी कुछ चेंजेस होंगे तो वो अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। प्लेयर स्टैट्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिससे कि आपकी बनेगी जीएल की टीम, और आप जीएल में कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस हम आपको देने वाले हैं, और फाइनल टीम मिलने वाली है वीडियो के एंड में बिल्कुल फ्री। फ्री में टीम मिल रही है तो देख लो गाइज, और टेलीग्राम की टीम जाके देख सकते हो। लास्ट के मैचेस में हमने धमाल मचाया है, वन साइडेड विन कराया है, पूरे टेलीग्राम में बवाल मचा के रख दिया है। तो गाइज सबसे पहले तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो हमारी लास्ट टीम होती है ना टेलीग्राम पे, वो आती है टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद। वो फाइनल टीम आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है, वो मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले तो जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ ताकि आप फाइनल टीम आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है सारे स्टैट्स आप तक पहुँचाने के लिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे मैच वेन्यू की। ये मुकाबला लेविंगटन स्पोर्ट्स ओवल अलबरी में होने वाला है गाइस। इस पिच पे ना अभी तक कोई मैच नहीं हुआ है, मतलब एक ओडीआई मैच हुआ था काफी पहले के टाइम में, लेकिन अभी रिसेंट अगर आप देखोगे तो इस पिच पे कोई भी मैच हुआ ही नहीं है। पहला मैच होगा काफी टाइम बाद, वो भी T20 का पहला मैच होने वाला है, तो यहाँ पर ना पिच का स्टैट्स भी आपको मैच के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो यहाँ पर बैलेंस पिच है, बैटर्स आपको पॉइंट दिलाएंगे लेकिन पेसर्स आपको काफ़ी ज़्यादा विकेट निकाल के देने वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया के पिच पे पेसर को कंफर्म विकेट मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर ना एक बात और याद रखिएगा कि मिडिल के ओवर में आपके स्पिनर भी गेम में बन जाएंगे और स्पिनर्स को विकेट मिलने वाला है, तो वहाँ पर सदाब खान का रोल बढ़ जाने वाला है। इधर से आप बात कर लो डूली का रोल बढ़ जाएगा। तो गाइस चलिए जान लेते हैं क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करेंगे सिडनी थंडर्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे मैथ्यू गाइक्स, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, टीम के विकेट कीपर भी हैं, तो पॉइंट दिलाएंगे। लास्ट मैच में मैथ्यू गाइक्स ने अच्छा खेला था, अच्छा पॉइंट दिलाया था, तो मैथ्यू गाइक्स को आप अपनी टीम में जरूर ट्राई करें। उनका साथ देते हुए दिखेंगे एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स ने हालांकि लास्ट मैच में अच्छी पारी नहीं खेली थी, इस बार भी अगर आप चाहो ना तो अपनी स्मॉल लीग के टीम से आप इनको ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन जीएल की टीम से आप एलेक्स हेल्स को ड्रॉप नहीं कर सकते। हालांकि मुझे क्या लगता है ना कि अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो आप ओपनर्स पर बहुत रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आपका एक ओपनर फेल भी होता है तो दूसरा ओपनर उसके सारे लॉस को कवर कर देगा। तो आप इन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ जा सकते हो। फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे रिले रोसो। लास्ट अगर आपको मेरा प्रेडिक्शन याद होगा तो मैंने आपसे बोला था कि रिले रोसो काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं,
लेकिन इस मैच में परफॉर्म कर सकते हैं और करके दिखाया खिलाड़ी ने। लास्ट मैच में अच्छा खेला था, उसके बाद नज़र आएंगे एलेक्स रॉस। एलेक्स रॉस वो खिलाड़ी है ना जो आपको हर मैच में पॉइंट दिला देगा, 20 से 30 पॉइंट हर मैच में दिला देगा। तो यहाँ पर आप रिले रोसो की जगह पर एलेक्स रॉस के साथ भी जा सकते हो। ओलिविया डेविस को जितने मौके मिले हैं ना, एक मैच अगर आप वाला छोड़ दो तो किसी भी मैच में ओलिविया डेविस का बल्ला नहीं बोला है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप ओलिविया डेविस को क्रॉस कर सकते हो, उनको टीम में लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर नज़र आएंगे की प्लेयर भाई, हीरो, टीम के हीरो, थंडर्स को मतलब पूरा हॉट कर दिया है डेनियल सैम्स ने। जो ठंडे पड़ गए थे ना, वो लास्ट मैच में जिताया है डेनियल सैम्स ने। बैटिंग बॉलिंग दोनों से कमाल दिखाया था और ये सेफ आपके कैप्टन की चॉइस के लिए हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो या 3-4 मेंबर लीग खेल रहे हो ना, तो वहाँ पर 99% मैच में, मैं बता रही हूँ लोगों के टीम में, आपको डेनियल सैम्स कैप्टन मिलने वाला है। सारा खेल बनेगा आपके वॉइस कैप्टन पे। उसके बाद नज़र आएंगे नैथन मैकेंड्रू, 4 विकेट निकाली थी आखिरी मैच में, हमने अपने टीम में भी दिया था। वॉइस कैप्टन बना दिए होते तो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। तो नैथन मैकेंड्रू को, तो वो ऐसे कुछ बॉलर होते हैं ना जो हर मैच में विकेट निकाल के देते हैं, विकेट टेकर बॉलर ही होते हैं, तो नैथन मैकेंड्रू वही नाम है जो आपको हर मैच में विकेट निकाल के देगा। तो नैथन मैकेंड्रू को आप अपने टीम में जरूर ट्राई करिएगा। फिर नज़र आएंगे गुरिंदर सांधू। गुरिंदर सांधू को लास्ट मैच में थोड़ी सी बैक स्प्रेन हुआ था, मे बी थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है इस मैच में ना खेले, उनकी जगह पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी लास्ट में। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दो। आपका आप अपना नया साल पे एकदम ध्यान दो कि कैसे आपको बहुत सारे पैसे बना के न्यू ईयर एंजॉय करना है। उसके बाद नज़र आएंगे उस्मान कादिर। इतने सारे बॉलर्स के रहते हुए लास्ट मैच में उस्मान कादिर को विकेट मिल रही थी, तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है उस्मान कादिर के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कोई भी नहीं लेने वाला अपने टीम में। तो आप स्मॉल लीग की टीम में इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, डॉगेट की भी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, तो यहाँ से आप क्रिस ग्रीन कप्तान, 1 विकेट हर मैच में निकाल के देने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं तो लेग ब्रेक बॉलिंग भी कराते हैं, तो इस पिच पे आपके मिडिल ओवर में क्रिस ग्रीन को 1 से 2 विकेट कंफर्म मिलने वाली है, और लास्ट मैच में भी आई थिंक 1 विकेट मिली थी, तो क्रिस ग्रीन यहाँ पर अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया, आप डेनियल सैम्स के साथ जा सकते हो, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं। चलिए गाइस जान लेते हैं ना इन सारे खिलाड़ियों के लास्ट 5 मुकाबले के स्टैट्स के बारे में। ये स्टैट्स आपको GL प्लस स्मॉल लीग की टीम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं कि किस प्लेयर के साथ आप सेफ जा सकते हो स्मॉल लीग में, और GL में किस पे आप रिस्क ले सकते हो। तो वो आप ना सिर्फ लास्ट एक मैच के बिहाफ पे जज नहीं कर सकते प्लेयर को, लेकिन आप अगर आप 5 मैच जान गए उसके स्टैट्स ना, कि आखिरी 5 मैच में खिलाड़ी ने क्या क्या किया है, तो उससे काफ़ी आसान हो जाएगा टीम बनाना। चलो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। बात कर लेते हैं मैथ्यू गाइक्स की, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, विकेट कीपर, 0 रन 3 रन 3 रन 56 रन 37 रन। एलेक्स हेल्स राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 0 रन 16 रन 68 59, आखिरी मैच में 9 रन बनाए थे, उससे पहले आप हेल्स की पारी देख सकते हो, लगातार 2 अर्धशतक जड़ा था लेकिन लास्ट मैच में फ्लॉप साबित हुए थे। रिले रोसो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 3 रन 53 रन 14 रन, लास्ट मैच में 39 रन बनाए थे। डेनियल सैम्स राइट हैंडेड बैटिंग, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, आखिरी 2 मैच में हर मैच में विकेट मिल रही है डेनियल सैम्स को। एलेक्स रॉस राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 2 रन 39 रन 8 रन, आखिरी मैच में 25 रन बनाए थे। ओलिविया डेविस की बात कर लेते हैं, राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 1 रन 33 रन 42 रन, आखिरी मैच में 16 रन बने थे। नैथन मैकेंड्रू राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 5 विकेट 5 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट। क्रिस ग्रीन की बात करेंगे, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, आखिरी 2 मैच से क्रिस ग्रीन की फॉर्म में वापसी हुई है और वहाँ पर खिलाड़ी को 2 विकेट 1 विकेट मिल रहा है। उस्मान कादिर राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 5 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, लास्ट 5 मैच में अगर आप देखो तो उस्मान कादिर की भी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आखिरी 5 में से 1 मैच छोड़ दो तो हर मैच में उस्मान कादिर को विकेट मिल रही है। गुरिंदर सांधू की बात करेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, आखिरी मैच में 1 विकेट मिली थी, केवल 1 ओवर डाले थे अगर आपको याद होगा, उसके बाद वापस चले गए थे, ओवर नहीं डाले थे। अगर आपने 4 ओवर कराया होता तो गुरिंदर सांधू ने उस मैच में 2 से 3 विकेट कंफर्म निकालनी थी। एट लास्ट बात करेंगे डॉगेट की, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, आखिरी 3 मैच से डॉगेट फेल हुए हैं। इस बार अगर डॉगेट खेलने वाले हैं टीम में तो आप GL की टीम में कैप्टन बना डालो। डॉगेट अगर विकेट लेता है तो बहुत सारे लोगों की टीम में भी नहीं रहने वाला है।
चलिए गाइस जान लेते हैं दूसरी टीम की प्लेइंग 11। होबर्ट हरिकेन की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे गाइस डर्सी शॉट और मुझे लग रहा है उनका साथ देते हुए दिखेंगे नीशम। लास्ट मैच में भी नीशम को भेजा गया था ऊपर और नीशम ने ओवरऑल अच्छा स्कोर भी किया था, 20+ आई थिंक रन बनाए थे। इस बार भी नीशम को ओपनिंग के लिए उतारा जा सकता है या फिर मैथ्यू वेड भी आ सकते हैं टीम के कप्तान। तो ये चीज याद रखिएगा कि बैटिंग ऑर्डर अभी तक कन्फर्म नहीं है। जहां तक मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं नीशम आने वाले हैं, फिर फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे मैथ्यू वेड जो कि इस समय ना मैं बताऊं ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज है। वहां पर नीचे आते हैं इसलिए मौका कम मिलता है, यहां पर ऊपर आ रहे हैं और हर मैच में स्कोर करके दे रहे हैं। मैथ्यू वेड बहुत सेफ ऑप्शन है विकेट कीपर में टीम में सिलेक्शन के लिए। चौथे नंबर पे बैटिंग करने आएंगे कैलेब ज्वेल, काफी खतरनाक खिलाड़ी है। इनके बारे में भी अगर आपको नहीं पता है ना तो मैं बता दूं, बहुत तेज पारी खेलते हैं, सहवाग स्टाइल आप समझ सकते हो कि तेज तेज खेलेगा या तो अपनी विकेट खो के चला जाने वाला है पवेलियन में। उसके बाद नजर आने वाले हैं सद्दाब खान। सद्दाब खान भाई मतलब इस पिच पे देखो, एक तो स्पिनर्स को मदद है तो वहाँ पर सद्दाब खान आपको बॉलिंग से बहुत अच्छा पॉइंट दिला सकते हैं और बैटिंग तो कंफर्म आनी है, तो बैटिंग से भी आप 25 पॉइंट एटलीस्ट मान सकते हो और बॉलिंग से तो 2 से 3 विकेट मिल सकते हैं। 2 विकेट तो कंफर्म सद्दाब को मिलने ही वाले हैं इस मैच में। फिर नजर आएंगे टीम डेविड। टीम डेविड की बैटिंग नीचे आ रही है लेकिन अगर ऊपर से विकेट जाती है तो टीम डेविड बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये टीम फर्स्ट बैटिंग करने आती है तब तो टीम डेविड को टीम में रखना पड़ेगा, लेकिन अगर होबर्ट हरिकेन चेस करने आते हैं तब आप टीम डेविड को अपने टीम से ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद नजर आएंगे आसिफ अली। आसिफ अली को साफ साफ अपने टीम से आप ड्रॉप करो, आप जीएल की टीम यहाँ नहीं बना रहे हो। फिर नजर आएंगे जोल पेरिस। जोल पेरिस ने लास्ट मैच में 2 से 2 विकेट आई थिंक लिया था, अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इस मैच में जोल पेरिस को टीम में मुझे नहीं लग रहा है रखना चाहिए। उसके बाद नजर आने वाले हैं नैथन एलिस। नैथन एलिस के साथ आप जा सकते हो, हालांकि मैं जाने वाली हूँ इस मैच में पैट्रिक डूली के साथ। लेफ्ट आर्म चाइना मैन है भाई, हर मैच में विकेट निकाल के देगा, लिख के ले लो। डूली वो खिलाड़ी है ना कन्फर्म विकेट निकाल के देने वाला है। फिर नजर आने वाले हैं रिले मेरेदित। रिले मेरेदित की भी फॉर्म में वापसी हो चुकी है आखिरी मैच में और इस मैच में रिले मेरेदित कंफर्म विकेट निकाल के देने वाले हैं। तो यहाँ से रिले मेरेदित और डूली आपके बॉलर में बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। नीशम के साथ अगर आप जा रहे हो तो नीशम के 2 ओवर वहाँ पड़ने ही वाले हैं, बाकी आप बैटर में जा सकते हो। डर्शिश और सद्दाब खान के ओवर पड़ेंगे बॉलिंग में, तो इधर से आपके 3-4 बॉलर और बैटर में मैथ्यू वेड, डर्शिश शॉट, ये आपकी 5-6 सिलेक्शन हो सकती है होबर्ट हरिकेन की तरफ से। चलिए जान लेते हैं सारे खिलाड़ियों के लास्ट 5 मुकाबले के स्टैट्स के बारे में। कैलेब ज्वेल लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 87, 3 रन, 11 रन, 25 रन, 8 रन। डेडसी शॉट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 43 रन, 1 विकेट, 15 रन, 35 रन, 13 रन, 5 रन। वेड लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, विकेट कीपर 42, 35, 51, 15 रन, आखिरी मैच में बैटिंग नहीं आई थी। सद्दाब खान राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 20 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, 22 रन, 1 विकेट, 14 रन, 2 विकेट, आखिरी मैच में 14 रन बने थे और 3 विकेट मिली थी। लास्ट के 5 मुकाबले आप उठा के देख लो, सद्दाब खान को हर एक मैच में विकेट कंफर्म मिल रही है, तो यहाँ पर भी विकेट मिलने वाली है सद्दाब को। टीम डेविड राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 22 रन, 24 रन, 46, 8 रन, 5, आखिरी 2 मैच में फ्लॉप रहे। टीम डेविड हीरो जैसे दिखते हैं लेकिन इस मैच में मुझे लग रहा है टीम डेविड 30-40 रन मार सकते हैं। आसिफ अली राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 2 रन, 4 रन, 1 रन, 41 रन, 4 रन। नीशम की बात करेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 0 रन, 16 रन, 0 रन, आखिरी मैच में उसके पहले 1 विकेट, आखिरी मैच में 28 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिली थी, ओपनिंग आए थे तो 28 रन मार दिए थे। अगर ओपनिंग नहीं आने वाले हैं, बैटिंग ऑर्डर बाद में आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगी, तब फिर नीशम को आप टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। जोल पेरिस की बात करेंगे, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 11 रन, 5 विकेट, 3 मैच में विकेट नहीं मिली लेकिन आखिरी मैच में 2 विकेट मिली है। नैथन एलिस राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, आखिरी 2 मैच में नैथन एलिस को विकेट नहीं मिली। इस बार नैथन एलिस को आप अपने टीम में रख लीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है नैथन एलिस को इस मैच में विकेट मिलने वाली है। वैसे भी बहुत गजब का गेंदबाज है, विकेट पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है लेकिन विकेट टेकर बॉलर है नैथन एलिस। पैट्रिक डूली की बात करेंगे, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, आखिरी 3 मैच में अगर आप देखोगे तो डूली को टोटल 8 विकेटें मिली है, तो डूली टीम में रखने के पहले सिलेक्शन बन जाते हैं। एट लास्ट मेरेदित बहुत गजब का बॉलिंग कराते हैं, बहुत तेज बॉल डालते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, आखिरी मैच में 3 विकेट। 1 विकेट तो कभी मिलता ही नहीं है मेरेदित को, जब भी मिलेगा 2 से प्लस मिलेगा, तो मेरेडिट को टीम में रखना बनता है। गाइज यहाँ पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो ना
तो आप कैलेब जोएल के साथ जा सकते हो, डर्सी शॉर्ट के साथ जा सकते हो, टीम डेविड निशम और नेथन एलिस, ये पांच खिलाड़ी रिस्की प्लेयर इस मैच के लिए होने वाले हैं। चलो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना मैं आपको बताने वाली हूँ एक न्यू फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है माई मास्टर इलेवन फैंटेसी एप्लीकेशन। तो जल्दी से फ़ोन उठा के डाउनलोड कर लो माई मास्टर इलेवन फैंटेसी एप्लीकेशन को, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। इंस्टेंट विदड्रॉल, लो कमीशन कॉन्टेस्ट, 100% बोनस यूजेबल कॉन्टेस्ट, फ्री कॉन्टेस्ट, वेराइटी ऑफ कॉन्टेस्ट, इंस्टेंट विदड्रॉल और इसके साथ साथ बहुत अच्छा डिपॉजिट ऑफर। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की। दोनों टीमों ने T20 इंटरनेशनल में 17 बार एक दूसरे का आमना सामना किया है, जिसमें से होबर्ट हरिकेन की बात करें तो 10 जीत हासिल हुई है, वहीं बात करें सिडनी थंडर्स की तो 7 जीत हासिल हुई है। यहाँ पर अगर आप आंकड़े देखोगे तो होबर्ट हरिकेन के आंकड़े साफ साफ भारी दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सिडनी थंडर्स। देखिए लास्ट का मैच जिस तरह से थंडर जीती है ना, जो काफ़ी टाइम से ठंडी पड़ी हुई टीम थी, अब आई है जोश में। वहीं हरिकेन की बात करें तो सारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 3 मैच हारी है ये भी, मतलब लास्ट के अगर मैं बात करूँ 4 में से 2 मैच हारी है। तो वहाँ पर हरिकेन को भी मुश्किल होने वाली है, काफ़ी बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है इस मैच में। टफ होने वाला है मैच प्रेडिक्शन करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन क्या होने वाला है इस मैच के लिए। तो मुझे लगता है इस मैच में सिडनी थंडर्स इस मैच की बाजी मानने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि सिडनी थंडर्स इस मैच को जीतेगी। आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है, मुझे कमेंट करके बताएं कि इस मैच में बाजी कौन मारने वाला है। दोनों टीमों की अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात करें तो होबर्ट हरिकेन अपने आखिरी 5 में से 2 मुकाबले जीती है, वहीं बात करें सिडनी थंडर्स की तो अपने आखिरी 5 में से ये भी 2 मुकाबले जीते हैं। यहाँ पर भी बराबर हो गए, कितना टफ हो रहा है, हर जगह टफ हो रहा है, यहाँ भी बराबर हो गए हैं। लेकिन प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिए गाइस, सब कुछ बता दिया है। पिच बहुत, क्योंकि न्यू पिच थी, फिर भी मैंने आपको स्टैट्स बताई है जिस तरह से कैसा गेम बनने वाला है। इसके साथ साथ प्लेइंग 11, प्लेयर स्टैट, की स्टैट्स, मैच प्रेडिक्शन। अब बात करेंगे सबसे अपने मेन पॉइंट की, जो है हमारी फैंटेसी टीम, कि मैंने अपनी फैंटेसी टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को पिक किया है। क्योंकि सारा प्रेडिक्शन एक तरफ रह जाने वाला है अगर हमारी टीम परफॉर्म करके देने वाली है। तो देख लेते हैं, विकेट कीपर में मैंने चूज किया है मैथ्यू गाइक्स को। बैटर्स की बात करें, एलेक्स हैंस, रिले रोसो, टीम डेविड। ऑलराउंडर में मेरी चॉइस होने वाली है डेनियल साम्स, सदाब खान। बॉलर के साथ मैं ज़्यादा जा रही हूँ, 5 बॉलर अपने टीम में रखा है मैंने। क्रिस ग्रीन, गुरिंदर सांधू अगर इस मैच में अवेलेबल होने वाले हैं तो, और उसके बाद मैथन मैकेंड्रू, रिले मेरेडिट और पैट्रिक डूली। गाइस यहाँ पर कैप्टन के सबसे बेस्ट चॉइस होने वाले हैं डेनियल साम्स, जो कि आपको बैट बॉल दोनों से पॉइंट दिलाएंगे। वाइस कैप्टन के लिए आप सदाब खान के साथ जा सकते हो, थोड़ा सेफ जा रहे हैं हम। और उसके अलावा अगर मुझे लगता है ना कि आप यहाँ पर एक दो चेंजेस भी कर सकते हो, अगर आप एक बॉलर कम करना चाहते हो सांधू की जगह पे, आप मैथ्यू वेट के साथ भी जा सकते हो। वाइस कैप्टन के लिए आप इस मैच में मैकेंड्रू या फिर डूली के साथ भी जा सकते हो, ऐसे कुछ चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 5 बॉलर मैंने अपनी टीम में क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि अभी आप रिसेंट के जितने भी मैचेस उठा के देख लो ना, हर मैच में 14 से 15 विकेट कन्फर्म गिर रही है, और वहाँ पर आपके मतलब 400 से ऊपर पॉइंट दिला के जा रहा है आपका बॉलर। तो उसमें से हमारे कितने पॉइंट हमारे हिस्से में आने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा बॉलर को अपनी टीम में इस बार सेलेक्ट किया है। वैसे तो हालांकि चीज़ें तो बाद में आने वाली हैं टेलीग्राम पे, लेकिन GL में आप कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। तो कैप्टन के लिए सदाब खान और डेनियल साम्स, और वाइस कैप्टन के लिए आप क्रिस ग्रीन या टीम डेविड के साथ जा सकते हो। तो ये मेरे 4 की प्लेयर हैं इस मैच के लिए, जो मुझे लगता है इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करके देने वाले हैं और हमारी फैंटेसी में बहुत सारा पॉइंट दिलाने वाले हैं। गाइस आप शफल करके टीम बनाओ, GL के कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिए, कन्फर्म लिख के ले लो। इन 4 में से 3 खिलाड़ी इस मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट दिलाएंगे, और बहुत सेफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से कैप्टन के लिए GL में क्रिस ग्रीन या टीम डेविड के साथ भी जा सकते हो। जितना ज़्यादा आप शफल करके, जितने ज़्यादा अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे ना GL में, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके टॉप पे जाने के। अगर आप सेफ जाने की बहुत सोच रहे हो ना, तो वहाँ पर ही आप फेल हो, वहाँ पर ही आपकी टीम भी फेल है।
वैसे जीएल कभी नहीं निकलने वाला है, तो आप शफल करके टीम बनाओ, वैरायटी ऑफ टीम, वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट अगर हम बनाते हैं ना, बहुत सारे जितने अगर हम जीएल में भी आपके देखो मिनी जीएल आ जाते हैं, आपका 49 वाले के अलावा भी आपके कई सारे कॉन्ट्रास्ट जो आपके 100 से ऊपर वाले होते हैं उसमें भी आपको आराम से आप मतलब 5 से 10 लाख के बीच में बना सकते हो। तो गाइज उसमें भी अगर आप खेलते हो ना तो आप बहुत सारे ट्राई करो अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाने के, जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे जीतने के। तो गाइज बाकी तो देखो आपको पता है कि फाइनल टीम आएगी टेलीग्राम पे, क्योंकि वो आती है टॉस के बाद, टॉस के बाद चीज़ें बदल जाती है। यहाँ पर देखो ज़्यादातर चांस होगा ना कि फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो अगर वहाँ पर ये चीज़ें प्लस प्लेइंग 11 में अगर चेंज होता है तो हमारे मेन प्लेइंग 11 में भी चेंज होगा। इसके साथ साथ कैप्टन वॉइस कैप्टन पर टॉस का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मैच आधा डिसाइड हो जाता है कि कौन सी टीम इसको ले जाने वाली है। तो गाइज वो सारे चेंजेस अगर आपको जानने हैं, वो सारे अपडेट के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट मैच की पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहले ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1 सेकेंड लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां पर आपको सारी अपडेट और सारे मैचेस की टीम सब कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री में। और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कॉमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ लाने वाली हूँ, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।